ये क्या बनाए हो? अरे बहुत अच्छा बनाए जैव रसायन तो, वेरी गुड है। तीन चार ड्राम घर पे भी हैं गांव में। अच्छा, बहुत अच्छी खुशबू है। और ये टैंक इसके लिए बनाया हुआ है, जीवाणु कल्चर वगैरह वो चला दिया अभी खाली। अच्छा, ऊपर हाँ जीवाणु कल्चर बनता है इसमें। इसके साथ में ये कनेक्ट किया हुआ है गुरु जी, यहाँ पे टुल्लू पंप रख के हाँ इधर इससे ज्वाइंट किया हुआ है इसके साथ के थ्रू, फिर ये उसमें डाल देंगे पाइपलाइन में। अच्छा, तो सिर्फ बटन दबाया, बटन दबाने से ही ये सारा का सारा निकल करके खेत में चला जाएगा पानी के साथ कनेक्ट किए हो। हाँ, वहाँ से वो टुल्लू पंप की मोटर चलेगी। हाँ, वो पूरा पानी इसमें डाल देगी कल्चर। हाँ, और ये पानी के साथ में उस नाके पे अब जैसे आगे निकल रहा है पानी वहाँ पे। हाँ हाँ, तो जितना भी आगे तक पहुँचाना चाहो वहीं पे कल्चर चला जाएगा पूरा। अच्छा, हाँ लगाइए। ये मेन पाइपलाइन में आपका जो है ये पाइप डल गया जी, ये पानी भरने के लिए है। अभी इधर से दिखाइए गुरु जी ये। हाँ, अभी ये टैंक खाली है। हाँ, अभी पूरा 3 मिनट में भर जाएगा पूरा ये। अच्छा, ये जीवाणु जल बनाने के लिए पानी भर रहे हो? ये भी इसके अंदर गुरु जी लगभग 10,000 लीटर पानी आता है। अच्छा, 10,000 लीटर जीवाणु कल्चर एकदम ही बन जाएगा ये। अच्छा, तो ये पूरा जो है 10,000 लीटर जीवाणु जल या ऊर्जा जल भी बनाना है तो इसी में बना देते हो? कुछ भी चीज इसमें गुरु जी बनानी है तो ये टैंक में इसी में बनता है। 10,000 लीटर 10,000 लीटर एकदम, और वो 10 का 10,000 लीटर फिर पाइपलाइन के थ्रू इसी गांव में डाल देंगे और पानी के साथ में चला जाएगा। ठीक, तो ये आपका ये सबमर्सिबल है इधर जी, कितने एचपी का है? 15 एचपी की मोटर है गुरुजी इसमें। 15 एचपी की है जी, बहुत पावरफुल है भाई। रिया जी मैंने, अच्छा ये हटा दिए। हाँ, ये वाला पाइप तो मैंने पानी के लिए वैसे लिया हुआ है, पानी पूनी पीने के लिए या वैसे। हाँ, उसके लिए लिए। हाँ, अभी उसके में वो पाइप लाइन है जो उसमें कनेक्ट कर देता हूँ मैं। अच्छा, ये आपका ये आ गया तो इससे अब ये पूरे खेत में जाता होगा ये। अभी क्या हुआ गुरुजी, ये मैंने यहाँ पे इसमें वो कल्चर बनाया सारा। हाँ, हाँ, हाँ। वो सारा कल्चर अब ये मोटर है मेरे पास में। हाँ, अब ये ट्यूबवेल चल गया मेरा। हाँ, इसी के साथ में ये कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, ये मोटर मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। हाँ, जैसे ये मोटर चलेगी तो यहाँ से मैं खोल लूंगा इसको, ये मोटर उठा करके इसको भी खोल दूंगा। ये देखो इसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगी। हाँ, हाँ, हाँ। और ये पूरा इसके अंदर पाइप से जा करके। हाँ, और इसमें डाल देगा ये नीचे कल्चर। अच्छा, ये जो आया है आपका ये जो है इसमें इसमें आ जाएगा, इसमें कल्चर आ जाएगा जिधर से पूरे खेत में जा रहा है, जिधर से खेत में जाएगा पूरा। अच्छा, अभी क्या मैंने ट्यूबवेल चलाया। हाँ, अंदर से बटन ऑन किया तो मोटर भी यहाँ से चल जाएगी मेरी वो। हाँ हाँ हाँ, ये मोटर चलने के बाद में। हाँ, ये इसमें से टैंक वो जीवाणु जल या अणु जल या जो भी मैं बनाऊंगा उसके अंदर। हाँ, वो सारा ट्यूबवेल के माध्यम से इधर आ जाएगा। अच्छा, के माध्यम से। हाँ, हाँ। और फिर आगे मेरे खेत में जहाँ पे भी मैं निकालना चाहूंगा उसमें निकल जाएगा ये पूरा। अच्छा, तो पहले मैं क्या करता था, ये 20 लीटर के 200 लीटर के ड्रम जगह जगह पे रखता था पूरे खेत में। हाँ, हाँ। तो उसको भरने में बड़ी परेशानी होती थी मेरे को। हाँ, उठा के लेके जाने में बड़ी परेशानी होती थी। हाँ, हाँ। अब वो टोटी जैसे ही मैं खोलता था टैंक की। हाँ, हाँ। और वो पानी अगर लाइट गई तो पानी बंद हो जाता था। हाँ, उसके बाद में वो टैंक वहीं पे खाली हो जाता था, उसमें बड़ी समस्या होती थी। हाँ, भाग के दौड़ के जाना उसको फिर बंद करना, वो सारा कल्चर एक जगह पे निकल जाता था। अभी ऑटोमेटिक जब से किया है तो पूरा पानी के साथ में पूरा मिक्स होकर के। अच्छा, और इसमें एक और चीज कर सकते हैं किसान भाई। हाँ, अगर ये आपको ये फिक्स करना है कि मेरे को कितना लीटर एक एकड़ में चलाया है तो यहाँ पे मीटर लग जाता है इसका एक। अच्छा, उतना ही लीटर ये निकलेगा जितना लीटर आप फिक्स कर दोगे, 2,000 लीटर 1,000 लीटर 500 लीटर जितना आप करोगे उतना ही फिक्स होकर के उतना ही पानी। कहाँ पर लगेगा मीटर बताइए? ये मीटर यहाँ पे लग जाएगा। हाँ, यहाँ पे मीटर लग जाएगा। हाँ, एक पाइप और लगा करके इस पे। हाँ, और इसकी जो रीडिंग चलेगी उसमें जैसे मीटर की रीडिंग चलती है। हाँ, ऐसे ही वो पानी की रीडिंग चलती है।
जितना मोटर पानी उठाएगी उसमें डालेगी उतना ही लीटर ये सोक करेगा, तो उसमें पूरा दिखाएगा कि इसमें 2000 लीटर आपने चलाना है तो 2000 लीटर पे आप सेट कर दोगे इसको, जितना चलाना चाहोगे उतना चल जाएगा। अभी मैंने मीटर इसलिए नहीं लगाया इसके अंदर क्योंकि मैं तो ये अभी लगभग 7 एकड़ में मैं चलाता हूँ। अच्छा, तो 2-2500 लीटर एक बार के में चला जाता है पानी के साथ में, कल्चर जो भी मैं बनाता हूँ, अणुजल जीवाणु जल जो भी। अच्छा, और हरियाणा पंजाब की ज़मीनों में जिस हिसाब से डोज चाहिए वो इसी टैंक के द्वारा ही संभव है, अदरवाइज हम 200-200 लीटर से पूरा नहीं कर सकते उसको। अच्छा, अभी मैं इसके अंदर क्या करूँगा, इसमें एक कल्चर बनाऊँगा जीवाणु कल्चर, और इसमें एक कट्टा गुड़ का डाल दूंगा 40 kg, और साथ में ये कल्चर डाल दूंगा, और इसको 5-6 दिन के लिए रखूंगा मैं, 5-6 दिन में तैयार हो जाएगा, उसके बाद में पानी जब भी लगाऊंगा तो इसके साथ में कनेक्ट होकर चला जाएगा। बहुत बढ़िया।